आज पंजाब के अंदर पिछले 5 साल में और खासकर पिछले 3-4 महीने में जो घटनाएं घटी हैं, उससे एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस पंजाब को, पंजाब के लोगों को सुरक्षा दे सकती है। एक तरफ जहां आम पंजाबी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, महिलाओं के खिलाफ बहुत सारी वारदातें हो रही हैं, आम जनता के बीच में क्रिमिनल आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, दूसरी तरफ बेअदबी के कई सारे अटेम्प्ट्स हुए हैं पिछले कुछ महीनों में। लुधियाना में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, प्रधानमंत्री की सुरक्षा, जब प्रधानमंत्री आए प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश की सुरक्षा है, उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर दोनों तरफ से राजनीति हो, मैं उधर भी, दोनों तरफ से उन्होंने राजनीति की। आम आदमी पार्टी कभी भी देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करती, हम कभी राजनीति नहीं करते, हमारे केंद्र सरकार से 100 मतभेद है सब जानते हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर जब जब लोगों की पब्लिक इंटरेस्ट की बात हुई, हमने केंद्र सरकार के साथ सहयोग करके, जैसे कोरोना का मामला था, सब लोग आप जानते हो कि किस तरह से हमने केंद्र सरकार के साथ सहयोग करके दिल्ली को कोरोना से बचाया। यहां भी जब भी सुरक्षा की, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होगी, हम केंद्र के साथ मिलके एक टीम की तरह देश की और पंजाब की सुरक्षा करेंगे।